तो गाइस वेलकम बैक टू माय अंदर वीडियो, माय नेम इज शिवानी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रूमन रिंग्स के बारे में। रूमन रिंग्स को लेके बहुत सारी न्यूज है, और तो रूमन रिंग्स मैट्रिमोनी में आते ही क्या कुछ करने वाले, मैं सब कुछ आज के वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस जैसा की समर स्लैम में हमारे पांडा यानी की रूमन रिंग्स का धमाकेदार एंट्री हो चुका है, तो आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा ना की आखिरकार इस मैकडाउन में रूमन रिंग्स क्या करने वाले है। तो देखो बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। जैसा कि अगर मैं आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी बताऊं तो रोमन रिंग्स का फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाला है कि वो पॉल हेमन को अपने साथ लेकर आए। और गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉल हेमन यानी कि हमारे डोरेमोन कितने ज्यादा लॉयल है रोमन रिंग्स की तरफ। जैसा कि हमारे रोमन रिंग्स का फाइनली रिटर्न देखने को मिल चुका है, तो रोमन रिंग्स आते ही सपोर्ट करने वाले है पॉल हेमन को, इनफैक्ट बदला भी लेने वाले है जो लोग भी उन पे अटैक किया है। तो देखो पूरा सिनेरियो इस तरह का होने वाला है कि रोमन रिंग्स पहले रिंग में आएंगे और वो आते ही वाइजमैन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही रोमन रिंग्स वाइजमैन के बारे में बोल रहे होंगे तभी वहाँ से हमारे डोरेमोन निकल के आएंगे और फाइनली दोनों एक दूसरे को हग करने वाले, और दोनों का रियूनियन टाइप देखने को आपको मिल सकता है एक बार फिर। एक और सुपरस्टार का अभी काफी ज्यादा नाम निकल के आ रहा है कि वो रोमन रिंग्स के साथ शायद स्मैकडाउन में आ सकते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि हिकुलियो है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। हिकुलियो भी एनोई फैमिली के मेंबर है, यानी कि रोमन रिंग्स और इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और एट लास्ट एक और सुपरस्टार का भी काफी ज्यादा हाइप आ रहा है कि वो भी देखने को मिल सकते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि जिमी उशो है। और आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि रोमन रिंग्स का न्यू ब्लडलाइन फॉर्म होने वाला है, जिसमें कि पॉल हेमन, रोमन रिंग्स खुद, जय उशो, जिमी उशो और सैमी जेन होने वाले हैं। और गाइस आज का रॉ खत्म होने के बाद लीव मॉर्गन और डॉम का तो अलग ही चल रहा है करंट टाइम में। दोनों का एक वाइल्ड सा फोटो देखने को मिला सोशल मीडिया में, यार पता नहीं अभी WWE किस तरह से इन दोनों को बुकिंग कर रही है। और तो और हमें आज के रॉ में ये बात पता चला कि रोमन रिंग्स फाइनली स्मैकडाउन में आने वाले हैं, क्योंकि आज के रॉ में ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था, यानी कि दी गॉड दी ड्राइवरशिप और ओरिजिनल ड्राइवरशिप आप जो कुछ भी बोलो दिखने वाला है। तो गाइस मैं अब वेट कर रही हूँ कि रोमन रिंग्स का प्रोमोस कैसा होने वाला है। फिलहाल तो अभी करंट टाइम में रोमन रिंग्स, जैमिन पेश और रिया रिपली तीनों ही बेफेस के कैरेक्टर में काम कर रहे हैं। वैसे मजा आ रहा है तीनों का कैरेक्टर देख के। आप देख लो जैमिन पेश का तो हमें काफी टाइम हील कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, इनफैक्ट रिया रिपली भी काफी अच्छा कर रही है। रोमन रिंग्स आ गए, मुझे इन तीनों का भी जो कुछ भी सेगमेंट होता है प्रोमोस होता है मुझे काफी अच्छा लगता है। ये तीनों मेरे फेवरेट लिस्ट में अभी करंट टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं तो गाइस ऐसा देखो कि इस बार का 2024 काफी बेस्ट रहा है। जैसे कि हमें पहले सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला, उसके बाद फाइनली अंकल हॉर्डे भी आ चुके हैं, सेथ रॉलिंस, रिया रिपली, रोमन रिंग्स, इतने सारे सुपरस्टार का फाइनली हमें कमबैक देखने को मिल चुका है। और सारे सुपरस्टार इस ईयर 2024 में ही आने वाले लास्ट तक। जैसा कि आप देखो फर्स्ट हाफ 2024 का तो खत्म हो चुका है, सेकंड हाफ में आप दी रॉक, जिमी उशो, शार्लेट फ्लेयर और ब्रॉक लेसनर देखने वाले हैं। यार इस ईयर ही 2024 में WWE सबको रिटर्न करवाने वाली है। वैसे आप वेट करो, आपको बहुत मजा आने वाला है आगे और भी। फिलहाल तो सैमी जेन और जय उशो को लेके ये बात बोला जा रहा है कि उन्हें बहुत जल्दी स्मैकडाउन में डाला जाएगा। तो गाइस आप ऐसा समझो कि बहुत जल्दी हमें पूरे ब्लडलाइन का रियूनियन देखने को मिलने वाला है, जैसे पहले हुआ करता था। वैसे भी अभी सैमी जेन और जय उशो की बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं अपने पांडा यानी कि रोमन रिंग्स के बारे में बोलूं तो रोमन रिंग्स के आने से WWE को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। जैसा कि देखो पहले हम लोग को ये बात पता चला कि रोमन रिंग्स बेफेस के कैरेक्टर में अपना रिटर्न किए हैं, और दूसरी बात ये रहा कि 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जब रोमन रिंग्स अपना रिटर्न किए थे तो। और रोमन रिंग्स के वजह से ही $1 मिलियन मर्चेंडाइज सोल्ड हुआ है, जो कुछ भी पहले सेल नहीं हो रहा था वो सब रोमन रिंग्स के आने से सेल होता जा रहा है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ तो रोमन रिंग्स के बारे में, अभी करंट टाइम में सबसे ज्यादा किसी को सर्च किया जा रहा है तो वो रोमन रिंग्स ही है। पूरे WWE इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा किसी को सर्च किया जा रहा है रोमन रिंग्स है करंट टाइम में, यार रोमन रिंग्स का स्वैग ही अलग है, आप जितना भी बोलो, इसलिए तो मेरे फेवरेट है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। ब्रॉन ब्रेकर रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि वो चाहते हैं पॉल हेमन यानी कि डोरेमोन उनके एडवोकेट बने वन डे जब वो बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे। तो वैसे भी गाइस डोरेमोन को सब कोई पसंद करता है, रोमन रिंग्स हो चाहे कोई भी हो, बस सोलो शुका बंदर को छोड़कर, बस पॉल हेमन तो जल्द से जल्द बदला लेने वाले हैं सोलो शुका बंदर से और ये फालतू सा न्यू ब्लड लाइन से। आप बोल सकते हो कि सस्ता ब्लड लाइन है ये करंट टाइम में। मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है कि रोमन रिंग्स ये प्रूफ कर दिए है कि वही ओरिजिनल ड्राइवर चीफ है, यानी
यानी कि अभी OTC काफी वायरल हो रहा है, ये वर्डिंग भी काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और तो और हमें हल्क होगन भी बहुत बार ये बातें करते हुए दिखाई दिए है कि वो रिंग में अगर किसी से फाइट करना चाहते हैं तो वो रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस और CM पंक है। यार कोई हो या ना हो, रोमन रिंग्स का नाम तो हर जगह इंक्लूड हुआ रहता है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस भी दिखाया कि ये वाला फोटो लीव मॉर्गन शेयर की है अपने सोशल मीडिया में, बोलती है ऑलवेज माय हीरो डैडी डॉम। यार लीव मॉर्गन जो चाहती थी कि उन्हें डॉम मिल जाए, फाइनली उन्हें ऑफिशियली डॉम मिल चुके हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो लीव मॉर्गन ने सब कुछ छीन लिया है रिया रिप्ली से। पहले तो उनका सोल्जर ब्रोक कर दिया, और तो और उनका टाइटल भी नहीं बचा, और उनका मेन को भी ले लिया, और उनका फैक्शन को भी बर्बाद कर दिया। तो गाइस आप समझ सकते हो अभी करंट टाइम में वो सिचुएशन में रिया रिप्ली। फिलहाल तो लीव और डॉम की लव स्टोरी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको ट्विटर हैंडल का बताऊं तो लीव मॉर्गन और डॉम दोनों एक दूसरे का फोटो लगा के रखे हैं। मतलब गाइस आप ऐसा समझ सकते हो कि डॉम ऑफिशियल कर चुके हैं कि वो लीव मॉर्गन को ही पसंद करते हैं। यार बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, अगर वो पसंद करते थे तो पहले नाटक क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे डोरेमोन यानी कि पॉल हेमन के बारे में। करंट टाइम में रोमन रिंग्स, बेबी फेस और पॉल हेमन दोनों का एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन देखने के लिए फैंस अभी से ही तरस रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। ट्रिपल एच रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोलते हुए नजर आए कि अभी आप लोग जितना कुछ भी देखो WWE में वो बस ट्रेलर है, आप बस वेट करो 2024 के एंडिंग, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस आप देखो, मजा तो आएगा बहुत WWE देखने में। पहली बार ऐसा हुआ है कि WWE इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं तो एक साल से देख रही हूँ, अभी 3 से 4 महीना पहले से मुझे मजा आ रहा है WWE देखने में। जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि करंट टाइम में न्यू जजमेंट डे बन चुका है। अगर मैं सच्ची बोलूं तो इस जजमेंट डे में कोई भी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। वहाँ लीव मॉर्गन और डॉम तो अपना ही कर रहे हैं। फिन बेलर, कार्लिटो और शैडो मैकडोना उतने भी पावरफुल नहीं है जितना डेमन पेश और रिया रिप्ली रहते थे। तो वैसे अगर मैं आपको व्हाइट सिक्स के बारे में बोलूं तो 2013 में आप देख सकते हो किस तरह का था, और 2024 में कितना ज्यादा चेंजेस आ गया है। बट गाइस एक बात है, ब्रे वाइट को सभी कोई आज भी मिस करते हैं। और तो और फाइनली आज के रॉ के बाद एक चीज ऑफिशियल हो चुका है, यानी कि गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन का हमें मैच देखने को मिलने वाला है बैश इन बर्लिन में, वो भी August 31st को। तो गाइस जैसा कि मैं बोल रही थी ना, पॉल हेमन बदला लेने वाले हैं, वैसे ही पॉल हेमन रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम एक फोटो शेयर करते हैं जहाँ पे रोमन रिंग्स सोलो शिकोवा बंदर को स्पेयर लगा रहे होते हैं। यार रोमन रिंग्स रिटर्न किए बट अभी तक पॉल हेमन का कोई भी रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉम के ही बारे में। तो गाइस जैसा कि आपको पहले से ही पता था कि डॉम पहले से ही हील कैरेक्टर में थे, और मामी को धोखा देने के बाद फिर से वो हील कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर WWE में किसी को सबसे ज्यादा निगेटिविटी और बू मिलता है तो वो डॉम ही है, और काफी लोग इनके कैरेक्टर को पसंद भी करते हैं। और आज का लास्ट टॉपिक के बारे में बोलूं तो रिया रिप्ली, कॉडी और रैम एश्वर्यो फाइनली हमें दिखते हैं हर बार कॉल ऑफ द ड्यूटी में। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।